This is the future. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टैक्स ऑन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, शोरूम आप देख रहे हैं, गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आए हैं केटीएम के शोरूम पे, ईगल केटीएम नोएडा सेक्टर 63। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे आज केटीएम एडवेंचर 390 के बारे में। जी हां दोस्तों, काफी दिनों से मैं इस गाड़ी का वेट कर रहा था, कब ये गाड़ी शोरूम पे आएगी, कब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों की भी काफी डिमांड थी कब इस गाड़ी की वीडियो आने वाली, तो फाइनली आज हम शोरूम पे आ गए हैं। आज ही इस गाड़ी का इस शोरूम पे लॉन्च हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा डेकोरेशन है सारा, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी वीडियो बनाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे कि क्या इसके फीचर है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या इसमें नयापन दिया है, क्या क्या इसमें बदलाव है, सब आपको सब कुछ बताएंगे। इसका एक पूरा स्पेसिफिकेशन बताएंगे, पूरे इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इंजॉय करिए इस गाड़ी का कुछ सिनेमेटिक शॉट, और उसके बारे में बताते हैं इस गाड़ी के बारे में पूरे विस्तार से। जो आज हम आए, एक बार फिर बता दूं, ईगल केटीएम सेक्टर 63 नोएडा। जी हां दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो केटीएम 390 एडवेंचर के साथ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको सब कुछ इस गाड़ी के बारे में। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रंट से। फ्रंट में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ इट्स विंडस्क्रीन के बारे में। ये एडजस्टेबल है बट मैनुअली है, वैसे नहीं है। आपको कुछ इसके स्क्रू वगैरह ओपन करके इसको ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड, हम अगर लाइट के पास आए तो लाइट आप, अगर मैं रियलिटी में देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो लाइट जो इस कवर की वजह से काफ़ी हूश लग रही है। अदरवाइज जो लाइट है वो एग्जैक्ट आपको ड्यूक 390 की तरह ही मिलेगी। जैसे कि ड्यूक 390 यहाँ खड़ी, आप इसकी लाइट देखिए और आप 390 एडवेंचर की लाइट देखिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये जो आपको साइड में जो इसके कवर दे रखा है, इस वजह से ये लाइट काफ़ी बड़ी लग रही है। अगर गाड़ी को आप रियलिटी में देखेंगे तो गाड़ी की भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, गाड़ी कोई छोटी नहीं है। आप देखिए ड्यूक 390 और उसके बाद देखिए एडवेंचर 390 का, तो गाड़ी काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी कुछ बदलाव है, काफ़ी कुछ नया पहना है, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको हेडलाइट के बारे में बता ही दिया, तो आपको यहाँ पे DRL मिल जाएगी, ऑल LED ये आपको हेडलाइट मिलेगी। साथ में आपको ये बीच में प्लास्टिक का यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपके नंबर प्लेट लगाने का स्टैंड आपको मिल जाएगा। अगर मैं साइड में इसके शॉकर्स की बात करूँ तो इसमें आपको अपसाइड डाउन शॉकर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, WP-FX के यहाँ पे आपको शॉकर्स मिलेंगे। अगर मैं इसके अलॉय की बात करूँ तो दोस्तों, फ्रंट जो अलॉय है 19 इंच का आपको मिलेगा, और जिसका टायर साइज है 190/19। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखा देता हूँ, इसमें ट्यूबलेस टायर आपको मिलेंगे, क्योंकि अलॉय है तो डेफिनेटली आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, और टायर भी आपको मैट जेलर के मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी ग्रिप और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको रोड पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अलॉय पैटर्न अच्छा है, टायर्स मैट जेलर के हैं अच्छे, और 19 इंच के आपको टायर मिलेंगे विद, आप देख सकते हैं पूरे टूरेंस टायर है। आप इस गाड़ी को लीजिए और टूर पे निकल जाइए दोस्तों। साथ के साथ मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, तो जो गाड़ी आप देखिए दोस्तों, ABS के साथ इक्विप्ड है, ये ड्यूल चैनल ABS गाड़ी है, और इसमें आप फ्रंट का सॉरी रियर का जो ABS है उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, बाइबर के जो इसमें आपको ब्रेक दिखेंगे 2 पिस्टन कैलिपर में। साथ के अब मैं आगे जब बढ़ता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि आपको रेडिएटर देखो, यहाँ पे आपको फ्लैट रेडिएटर नहीं मिलेगा, इसमें राउंड रेडिएटर है, जो कि
एक अच्छी बात है, ये हाई एंड बाइक्स में इस तरह के रेडिएटर आते नहीं, तो नॉर्मल बाइक में आपको फ्लैट रेडिएटर मिलता है। अगर आप देख पा रहे तो वहाँ आप 390 में देख सकते हैं, इसमें आपको राउंड रेडिएटर मिलेगा, प्लस इसमें आपको डबल फैन मिलेंगे रेडिएटर में, सिंगल है ड्यूल डबल फैन है, ताकि आपको इस गाड़ी की कूलिंग अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, तो ये सिंगल सिलेंडर एक इंजन है, इसमें आपको डबल सिलेंडर नहीं मिलेगा। साथ के साथ मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए इंजन पे आपको यहाँ पे एक कवर दिख रहा है, जो कि आपके इंजन को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। कहने को तो प्लास्टिक है, लेकिन अच्छा मेटल का, काफी हार्ड है मटेरियल, काफी अच्छा है, तो इतनी जल्दी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो इंजन को आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं इंजन की ही बात करूँ दोस्तों, तो इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये गार्ड भी मिल जाएगा, इंजन गार्ड कह लीजिए या साइड गार्ड कह लीजिए, तो ये भी आपके इस गाड़ी को इनबिल्ट आता है, कोई एसेसरीज का पार्ट नहीं, इस गाड़ी के साथ ही इनबिल्ट है और आपको गाड़ी के साथ ही मिलेगा। साथ ही अगर मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन बता दूं, तो इंजन की जो पावर है वो आपको 43.5 bhp की मिलेगी विद 37 Nm टॉर्क के साथ। दोस्तों अगर आप पीछे का शॉकर देखेंगे तो आपको मोनोशॉक मिलेगा, मोनोशॉक है तो आपको पता है कि इसकी स्टेबिलिटी और इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होने वाली है, इस गाड़ी की राइड क्वालिटी कितनी अच्छी होने वाली है आप देख सकते हैं। रेसिंग KTM रेसिंग का आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे आपको KTM की बैजिंग मिल जाएगी, एक पूरा कवर ये प्लास्टिक का ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 390 की बैजिंग मिल जाएगी। जो हम कलर ऑप्शन आपको जो मिलेगा इसमें ब्लैक ग्रे के, येलो और ग्रे के साथ इसमें आपको कलर ऑप्शन मिलेगा, और ये जो आपको कलर देखेगा ये सब आपको मैट फिनिश में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ आपको टेक्सचर दिया, और यहाँ पे आपको एडवेंचर के पूरा लिखा हुआ, एडवेंचर की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। साथ के साथ आपको यहाँ पे बैक साइड पे KTM लिखा मिल जाएगा। और अगर मैं इसके शॉकर, इसके साइलेंसर, अगर मैं इसके साइलेंसर की बात करूँ, तो आप देखिए साइलेंसर पे आपको यहाँ पे ब्रश फिनिश, सिल्वर कलर के ब्रश फिनिश मिलेगी, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम लग रहा है, काफी दिखने में लुक इसकी काफी अच्छी लग रही है गाड़ी पर, इसकी लुक, गाड़ी की लुक इससे और एनहांस हो रही है। साथ में अगर मैं फुटपैक की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा फुटपैक के लिए ऐसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई रोड है, बिल्कुल अलग से इसमें फुटपैक के लिए पूरी सेटिंग है। अगर पीछे की बात करूँ, तो दोस्तों पीछे के डिस्क में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको यहाँ पे ABS की प्लेट देखने को आपको दिख रहेगी, तो ये गाड़ी ड्यूल चैनल ABS के साथ इक्विप्ड है। पीछे की जो कि जो आपको डिस्क है वो राइट साइड मिलेगी, और फ्रंट टायर में जो डिस्क है वो आपको फ्रंट टायर के हिसाब से अगर सामने बैठेंगे तो आपको मतलब दोनों अपोजिट साइड आपको डिस्क इसमें मिलने वाली। पीछे का टायर भी आपको इसमें मैट जेलर का मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस टायर की बात करूँ, तो दोस्तों ये जो टायर है आपको 130 mm सेक्शन का इसमें आपको ये टायर मिलने वाला है दोस्तों, अलॉय पैटर्न से, और ये ट्यूबलेस टायर है। तो इस तरफ की मैंने आपको सारे सब कुछ दिखा दिया, आपको रेडिएटर के बारे में बता दिया, इंजन स्पेसिफिकेशन, टायर बता दिया 130 mm, और मैं आपको इसका और टायर का पैटर्न भी दिखा देता हूँ। तो ये मेटजेलर का टायर है, तो टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छी ये पैटर्न है और अच्छी ग्रिप है, तो मेटजेलर के बारे में आप जानते हैं दोस्तों। पीछे अगर मैं टेल सेक्शन की बात करूँ, टेल लाइट की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको LED का ट्रीटमेंट मिलेगा, काफी यूनिक लाइट लग रही है, ऐसे नहीं है बाकी KTMs की तरह यूनिक, काफी लाइट है, डिजाइन काफी अच्छा है, इसमें फुल LED का ट्रीटमेंट किया गया, और ये जो एलिमेंट इसमें यहाँ पे दिया गया जो ऑलवेज ऑन रहेगा, तो ये काफी अच्छा है। साथ के साथ इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिकेटर भी इसमें आपको LED मिलेंगे, अभी तक भी KTM में सब जो इंडिकेटर आते थे वो LED आते थे। पीछे अगर फेंडर की बात करूँ, तो फेंडर थोड़ा छोटा है, अगर यहाँ पे एक टायर अगर दे दे तो वो भी काफी अच्छा होता है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी, लेकिन ओवरऑल लुक, बैक से ओवरऑल लुक अगर आप मैं आपको दिखाऊं, तो लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर इस साइड की बात मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली साड़ी गार्ड मिल जाएगा, और इसकी स्विंग आर्म देखें, तो स्विंग आर्म अगर आप देखेंगे तो स्विंग आर्म इसकी काफ़ी लंबी है, क्योंकि एक टूरिंग गाड़ी है, तो इसकी व्हील बेस भी आपको लंबा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कूलेंट थोड़ा ओपन में इस तरह से दिख रहा है, वो दिख रहा है, अगर ये कवर होता तो और अच्छा लगता दोस्तों। यहाँ पे लॉक लगा है, लॉक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप अपना इजीली अपनी सीट ओपन कर सकते हैं। 6-speed गियर शिफ्ट है ये, तो पीछे टूर की बात, पीछे टायर की बात हो गई, स्पीड मैंने इंजन के स्पेशल ऑलरेडी आपको बता दिया। बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट के बारे में, सीट वन ऑफ द बेस्ट, जी हाँ दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट सीट आप इस गाड़ी की कह सकते हैं। आप देखिए, चाहे आप प्लेन के लिए बात करें, चाहे आप इसके राइडर के बात करें, राइडर के बात करें दोस्तों, इतनी लंबी सीट आपको कुछ महंगी बाइक्स में ही देखने को मिलेंगी, जो आपको मैं किसी का नाम नहीं ले जाता किसी ब्रांड का, लेकिन इस तरह की सीट आपको महंगी बाइकों में ही दिखेंगी। इसका भी प्राइस आपको बताएंगे, क्या इसका प्राइस है, ऑन रोड ऑफ रोड एक्स शोरूम सब कुछ आपको बताएंगे। और रियर पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप मेरा हाथ देखिए, मेरा पूरा रखा हुआ अब भी पीछे दोनों साइड गैप है, तो पिली जितनी ये सीट है दोस्तों बाकी बाइकों में इतनी आपको राइडर के लिए सीट मिलती है। तो आप इसमें किलोमीटर टू किलोमीटर चलते जाइए, तो कंफर्टेबल लेवल के लिए आपको कोई इशू नहीं होने वाला, तो वन ऑफ द बेस्ट सीट इन दिस सेगमेंट दोस्तों। गाड़ी दिखने में काफ़ी लंबी है, ऊंची है दोस्तों, 390 के हिसाब से गाड़ी
ऐसे नहीं कि आपको छोटी सी लगेगी, जैसे कि 3 आपने आपको यहाँ पे पहले की वाली जो 390 है वो देखने को, ड्यूक 390 है, इसकी लेंथ देखिए आप इस गाड़ी को देखिए दोस्तों, तो ओवरऑल गाड़ी की लेंथ काफ़ी लंबी है और दिखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम लग रही है, फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है। हालांकि प्लास्टिक पार्ट हैं सब, लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है दोस्तों। फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो हैंडल पर यहाँ पे आपको नकल गार्ड मिलेंगे। अगर मैं इसकी मिरर की बात करूँ तो मिरर क्वालिटी अच्छी है, भले ही मिरर की बात करूँ तो मिरर क्वालिटी अच्छी है, भले ही इसका साइज थोड़ा छोटा है लेकिन मिरर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँ तो देखिए आपको सिंगल रॉड का यहाँ पे हैंडल मिलेगा जो सिंगल, लेकिन हैंडल की जो लेंथ है दोस्तों काफ़ी वाइड हैंडल है, आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड हैंडल है दोस्तों। अगर मैं इसके बटन्स की बात करूँ, स्विच की गियर की बात करूँ, स्विचेस तो फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इट्स लुक प्रीमियम, ग्रिप की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे आपको इजीली जैसे पहले 390 में आपको बटन दिखते थे, तो उस तरह से आप अपना पूरा अपना TFT इंस्ट्रूमेंट इसका पूरा मैनेज कर सकते हैं, आपको सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट राइट इंडिकेटर यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंजन कोइल स्विच मिलेगा, साथ के साथ आपको इग्निशन के लिए यहाँ पे बटन मिल जाएगा। सेकेंड अगर हम अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में दोस्तों, तो मैं एक बार ऑफ करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ इस मीटर को। रेडी टू रेस। तो गाइज अब हमारे साथ है राकेश जी जो KTM के ही सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और ये हमें बताएंगे इस कंसोल के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या ऑप्शन है, सब कुछ राकेश जी हमें बताएंगे। तो राकेश जी स्टार्ट करिए। तो पहले तो आप जैसा कि मैं आपको दिखा रहा बता रहा हूँ कि ये पहले तो नॉर्मल जो TFT मीटर्स हैं जो बाकी जो ड्यूक्स में है सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बाय डिफॉल्ट अगर हम फिजिकली देखें तो, ठीक है। इसमें जो आपको जो ये लोगो है ये आपका इंजन ऑयल में, अगर इंजन ऑयल अगर हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है अपनी लेवल से कम हो रहा है तो वो उसके लिए, ये आपका फ्यूल, देन आपका जो फ्यूल टैंक और साइड स्टैंड का एरर दिखाता है यहाँ पे। ओके अगर आपके फ्यूल देख रहे हैं यहाँ पे रेड डिप कर रहा है इसलिए आपका एरर आ रहा है और साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है। ओके उसके बाद आते हैं ये चिल स्विच, अगर हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये भी आपका यहाँ पे शो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं लो फ्यूल का दिखा रहा है, साइड स्टैंड का बता रहे हैं। चिल स्विच ऑन होते ही आपका न्यूट्रल आ जाएगा, ये आपका FI के लिए है, अगर FI में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये ब्लिंक करेगा आपका बाइक स्टार्ट होने के बाद। ओके ठीक है, ये आपका ABS का, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये आपका यहाँ पे टाइम दिखाता है, ये आपका ABS रोड मोड पे है, तो रोड मोड पे जो है दोनों ABS ऑन रहते हैं, और जो आपका ऑफ रोड मोड है उसमें एक ABS ऑफ हो जाता है, बैक वाला रियर व्हील का ABS ऑफ हो जाएगा। ये आपका MTC कंट्रोल है, ये भी ऑन है अभी। बाकी यहाँ पे देखिए ट्रिक वन के जो टाइमिंग वगैरह है, डेट वगैरह है, बैटरी वोल्ट, फ्यूल रेंज, और फोन जो इसमें कनेक्ट हो रखा है, और ब्लूटूथ, और ये टाइम यहाँ पे आपका शो करता है। ओके ठीक है, बाकी हम यहाँ से जाते हैं, ये जो आपका बटन है वो आपके इस हिसाब से पूरा मीटर कंट्रोल हो जाएगा। ओके फर्स्ट यहाँ पे हम जाते हैं KTM माइग्रेट ऐप, यहाँ से ऐप से आप ऑडियो पेयरिंग, ठीक है, और ऑडियो पेयरिंग जो बटन है ये इस हिसाब से आप जैसे मीटर पे देख रहे हो उस हिसाब से। ओके ठीक है, बैक पे जाएंगे, नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो 22 में पार्ट पार्ट्स के थ्रू, ठीक है, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। बैक साइड पे जाते हैं पेयरिंग, फोन से, आईफोन से पेयरिंग, दूसरे अदर किसी भी डिवाइस से आप यहाँ से पेयरिंग कर सकते हैं, हो जाएगी, बड़ी इजीली हो जाता है। जैसे पुराने वाले 2017 में जो मॉडल्स आते थे उसमें ऐप के थ्रू करना पड़ता था, ये डायरेक्टली हो जाता है, इसमें कोई ऐप लोड करने की जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, ब्लूटूथ के लिए नहीं चाहिए। ओके बैक पे जाएंगे, फिर आगे मोटरसाइकिल के बैक यहाँ आ गए MTC, ठीक है, इसे भी आपका ऑन ऑफ है, ये ऑन हो रखा है। ओके ठीक है, ABS अभी रोड मोड पे है तो दोनों ऑन है, आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, कोई शिफ्टर ऑन ऑफ यहाँ से ऑन है, ठीक है, शिफ्टर आपने बताया अपसाइड भी है और डाउन साइड, अपसाइड डाउन, अब जाएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे फेवरेट्स पे, ये स्पीड्स के आइकॉन है, टाइम, ये आपका कोई शिफ्टर जो होता है नॉर्मल होता है जो फ्रंट पे दिखता है, जो मतलब बताता है कितना किलोमीटर चला है, क्या है आपका, तो ये है जनरल है। और इसके बाद आते हैं हम लोग ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ यहाँ से ऑन ऑफ होता है, डिस्प्ले थिंग ऑटोमेटिक करना है या फिर नाइट मोड पे करना है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। फिर शिफ्ट लाइट, लाइट की ये डायरेक्शन बताता है, आप इसे खुद ही एडजस्ट कर लेता है जो हेडलाइट की जो डायरेक्शन है। ओके ये डेट मतलब डेट है मतलब टाइमिंग, और ये मतलब किस फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ यूनिट्स, फ्यूल आइक डिस्टेंस किलोमीटर या फिर माइल्स, ठीक है, और ये फ्यूल आइकॉन्स वगैरह है जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हैं। ये लैंग्वेज है आपका,
इस लैंग्वेज हम रखना चाहते हैं। ये सर्विस दिखाता है, फर्स्ट सर्विस आपका 1000 किलोमीटर है, यहाँ से माइनस, ये हमें इंटरवल दिखाएगा कि हमारी सर्विस का टाइम हो गया, हमें ये भी शो करेगा, ये शो करेगा, दोनों ही चीज शो करेगा, दोनों चीज शो करेगा, ये आपका एफआई वर्जन है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट करवा लेंगे तो सेकंड सर्विस का इंटरवल भी शो कर देगा, और जब सेकंड सर्विस का टाइम होगा तो वो हमें टाइम भी दिखाएगा कि सर्विस का, वो लाइट ब्लिंक कर देगा। ये आपको जब सर्विस करवाने आओगे आपको जो सर्विस मैनेजर होगा, जो एडवाइजर होगा, वो आपको अच्छे से समझा देगा, गाइड कर देगा। ये एक्स्ट्रा फीचर में वही है एमटीसी एंड सीएएस कॉर्नरिंग एरिया स्टोर, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट इतना ही है मीटर पे। ओके, ये सब इसके, और ये वाटरप्रूफ भी है, और यहाँ पे एक सेंस लगा होता है, जैसे आप हाथ दिखाते हो तो ये व्हाइट ब्लैक जो करता है ना, ये ऑटोमेटिकली डे टाइम के हिसाब से वो सेंस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं क्लोजअप दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अपना माउंट भी लगा सकते हैं इस विंडशील्ड को हटा के, लिखा भी है यहाँ पे रिमूव फॉर योर माउंट, इसको हटा के आप अपना माउंट लगा सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार ओपन करके दिखा दीजिए राकेश जी। यहाँ से आप अपना इजिली, यहाँ से अपना मोबाइल्स वगैरह अगर यहाँ पे कोई माउंट करते तो इजिली इस सॉकेट के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी में इनबिल्ट आता है कि या भी कोई एसेसरीज है राकेश जी? ये एसेसरीज है, ये एज एन एसेसरीज है, अभी तो इनबिल्ट आ रहा है, बस इसमें कुछ लगाने के लिए वो एसेसरीज आएगा पावर पार्ट के थ्रू। जैसे नकल गार्ड ये भी इसके गाड़ी के साथ ही आ रहे हैं या अभी एसेसरीज है? अभी जो है गाड़ी है जो इसमें कोई एसेसरीज नहीं, जैसे गाड़ी शोरूम से मतलब जैसे कंपनी दे रही है एज इट इज आपको गाड़ी इसी फॉर्म में हमको मिलेगी। थैंक यू राकेश जी हमारे साथ वीडियो में बनने के लिए। तो गाइज आप शोरूम विजिट करते हैं तो राकेश जी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और राकेश जी से आप इस गाड़ी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आप शोरूम पे आके इनसे पूछताछ कर सकते हैं। दोस्तों पीछे की सीट, अगर पीछे की आप ये ग्रैबरल देखें तो दोस्तों काफी लंबी चौड़ी ग्रैब रहने, आप देख सकते हैं कि कितना इसमें गैप दिया हुआ है। तो अपना यहाँ पे आप इजीली कुछ सामान बांध भी सकते हो, कोई लगेज वगैरह का बांधना चाहे तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन दे रखा है। तो फुल ऑफ रोड गाड़ी आप इसको कह सकते हैं, फुल टूर टूर एक टूर कैपेबल गाड़ी। अगर मैं इसके पेट्रोल टैंक की बात करूँ दोस्तों, कैपेसिटी है वह 14.5 लीटर, 14.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। तो फुल रेंज में आपको लगभग 300 की एक फुल टैंक में आपको 300 किलोमीटर के रेंज आपको इजीली इसमें मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी रेंज है, ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रेंज है। चलिए बाकी देखिए दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है इस गाड़ी के बारे में, क्या इसके इंजन की पावर है, क्या इसके में फीचर हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर आपको मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इस गाड़ी में मिलेगी, सीट वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों, पिछला टायर 130, फ्रंट आपको 100 मिलेगा, 6-speed इसमें आपको गियर शिफ्ट मिलेगा, साइड माउंटेड आपको इसमें मफलर देखिए साइलेंसर मिलेगा आपको, 43.5 bhp, 37 nm टॉर्क साथ में, फ्रंट टायर जो है 19 इंच का, रियर टायर आपको 17 इंच का मिलेगा। तो ओवरऑल पैकेज गाड़ी फुल्ली लोडेड है, फुल पैकेज है। तो क्या इसका प्राइस है सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो के एंड में, लेकिन आप देख सुनाते हैं आपको इस गाड़ी का साउंड किस तरह से ये गाड़ी साउंड करती है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं इस गाड़ी का साउंड दोस्तों। तो ये थे इस गाड़ी का साउंड, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये साउंड कैसा लगा, साथ के साथ सारे फीचर्स आपको कैसे लगे, गाड़ी आपको ओवरऑल कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे तो मैंने आपको हर एक फीचर्स के बारे में बता दिया, गाड़ी के हर एक चीज के बारे में आपको कंप्लीटली बता दिया, फिर भी कोई अगर मैंने कुछ छूट गया या आपको कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। चलिए अब एंड करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि इसकी क्या अवेलेबिलिटी है और क्या इस गाड़ी का प्राइस है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो KTM एडवेंचर 390 के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया कि क्या इसके फीचर हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन हैं, क्या गाड़ी में सब कुछ फीचर दिया है। तो फुल्ली लोडेड गाड़ी है, आपको सिनेमेटिक्स इंजॉय करवाए, पूरे इस गाड़ी के बारे में बताया, सारे फीचर बताए, फुल्ली लोडेड गाड़ी दोस्तों, फुल पैकेज आप कह सकते हैं। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्या इसका प्राइस है। प्राइस है इसका 3 लाख एक शोरूम और लगभग 3.5 लाख की आपको ऑन रोड पड़ेगी दोस्तों। आज मैं आया हूँ जिस शोरूम पर, यह है ईगल KTM जो कि नोएडा 63 में लोकेटेड है। तो आप यहाँ से किसी भी स्टेट के लिए गाड़ी परचेज कर सकते हैं, किसी कोई भी आपको सारे नंबर अवेलेबल हो जाएंगे, बस आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, क्या आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बट नोएडा के यूपी नंबर और दिल्ली नंबर तो काफी इजिली आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको गाड़ी अगर पसंद आ रही है, इस गाड़ी के बारे में आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर शोरूम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और इसका शोरूम का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप शोरूम पर विजिट भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करिए गाड़ी कब तक अवेलेबल हो जाएगी और आप किसकी आके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप
गाड़ी को लेना चाहते हैं तो शोरूम पे आइए और गाड़ी को बुक करवा दीजिए जल्दी से, ताकि गाड़ी आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर हो सके। तो सारी बात हो गई है गाड़ी के बारे में। अब आपको क्या करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करेगा। वीडियो के बारे में कोई क्वेरी हो, इस बाइक के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जिन्होंने, जो आज इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़े, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आपसे मिलते हैं आपसे मेरी इसी तरह से किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।